Hello, Namaskar, and welcome to the Nitty Gritty Academy. Let's begin with the question number 66. Which of the following are the neighboring states of Jammu and Kashmir? दोस्तों इसके लिए हमें मैप पर जाना होगा तो आइए चलते हैं मैप पर देखिए दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर के नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर और उसके नेबरिंग स्टेट्स देख लीजिए हिमाचल प्रदेश है और ये पंजाब है और कोई नहीं यही दो स्टेट्स जो है उसके नेबरिंग स्टेट्स हैं तो इसका आंसर चेक करते हैं अब तो आंसर में फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब और सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन इज हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड तो सही ऑप्शन क्या हो गया फर्स्ट ऑप्शन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब क्वेश्चन नंबर 67 मैच ईच ऑफ द लोकेशंस विद करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन हाउसेस बिल्ट इन दैट एरिया लोकेशन गिवन है और उनके हाउसेस वहाँ पे जिस तरह के हाउसेस बनाए जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर गिवन है और हमें मैच करना है कि कौन से लोकेशन की हाउसेस का कैरेक्टर कौन सा है तो मनाली में हाउसेस कैसे होते हैं तो मनाली बहुत ऊंचाई पर है पहाड़ों पर स्थित है और वहाँ पर बहुत ठंडी रहती है स्नोफॉल अक्सर हुआ करते हैं वहाँ पर तो जहाँ पर भी स्नोफॉल होते हैं जहाँ पर भी बारिश होती है वहाँ की जो रूफ्स बनाई जाती हैं वो ढलान वाली बनाई जाती हैं स्लैंटिंग होती हैं ताकि इकट्ठा ना हो जाए स्नोफॉल या बारिश हो रही है तो पानी जो है उसमें से निकल जाए जमा ना होने लगे तो मनाली में ऑप्शन चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन है एलिवेटेड हाउसेस मेड ऑन बैम्बू पिलर्स नो हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स वुड विद स्लैंटिंग रूफ्स ये हो सकता है नेक्स्ट है हाउस बोट्स नहीं मड हाउसेज हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस नो हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स विद वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग तो स्लैंटिंग रूफ्स का ऑप्शन क्यों लिखी है तो ये मनाली से मैच करेगा तो ए का सही है आंसर सेकंड है राजस्थान राजस्थान में हाउसेस कैसे तो राजस्थान में बहुत ही गर्मी बहुत हीट होता है बहुत गर्म होता है वो जगह बारिश बहुत कम होती है तो वहाँ पर गर्मी से प्रोटेक्ट होने के लिए लोग क्या करते हैं मिट्टी के घर बनाते हैं और मिट्टी के घर के ऊपर घास जो होता है घास फूस जो होते हैं और कटीली जो झाड़ियाँ होती हैं उनका छत बना देते हैं बहुत सारा डाल के क्योंकि वो इंसुलेटर काम करते हैं वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं अंदर और मिट्टी के जो घर होते हैं वो अंदर कूलिंग उनके अंदर थोड़ा ठंडा रहता है कूल रहता है वो भी इंसुलेट करता है बाहर के टेम्परेचर से अंदर को तो राजस्थान में आएगा राजस्थान में अभी मैंने पढ़ा था कहाँ गया हाँ ये फोर्थ ऑप्शन है कि मड हाउसेस हैविंग रूफ्स मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस मतलब मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं तो बी के लिए है फोर्थ हम आते हैं सी पर असम असम में हम लोग जानते हैं बहुत बारिश होती है बारिश बहुत होती है तो बारिश में क्या होता है फ्लड भी आ जाता है और फ्लड आ जाता है अर्थक्वेक्स भी आते हैं कभी कभी तो उनसे बचने के लिए घर जो है थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं बैम्बू बनाया जाता है पिलर्स पे बनाए जाते हैं तो एलिवेटेड हाउसेस होते हैं मेड ऑन बैम्बू पिलर्स तो ये ऑप्शन सही होगा सी से मैच कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन और लद्दाख लद्दाख जो है बहुत ही चिल्ड बहुत ही कूल बहुत टेम्परेचर जीरो मतलब जीरो तो नॉर्मल है जीरो से नीचे चला जाता है टेम्परेचर उसका ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी होती है तो ठंडी वहाँ पर होती है तो हाउसेस के फ्लोर्स काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं तो फ्लोर्स क्या बना वहाँ के जो हाउसेस उनके फ्लोर्स और उनके सीलिंग्स जो हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं वुडन सीलिंग वुडन फ्लोर्स होते हैं और दीवार जो होती हैं वो स्टोन्स की बनी होती हैं ठीक है तो ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है इसमें हाउसेज मेड ऑफ स्टोन्स विद वुडन फ्लोर एंड वुडन सीलिंग ये फिफ्थ तो डी मैचेस विद फिफ्थ ऑप्शन तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर एन इंडिकेशन ऑफ दियर फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट ड्यू टू द हेयर ऑन दियर स्किन ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लिव इन तो दोस्तों जो स्किन होता है किसी भी एनिमल का वो स्किन उसके वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होता है क्वेश्चन नंबर 68 द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स आर
फर्स्ट ऑप्शन द इंडिकेशन ऑफ दियर फिजिकल स्ट्रेंथ ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड लाइट, ड्यू टू द हेयर ऑन दियर स्किन, फोर्थ ऑप्शन ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लिव इन। तो दोस्तों स्किन, किसी भी एनिमल्स का जो स्किन होता है वो वहाँ के जिस वेदर में वो रहता है, जिस वेदर कंडीशन में रहता है, उसी के अकॉर्डिंग वो ढल जाता है, अडाप्ट हो जाता है। तो ये ऑप्शन सारे गलत थे, इसमें फोर्थ ऑप्शन ये बताता है कि ड्यू टू द वेदर कंडीशन दे लिव इन। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 69। पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एट लीस्ट 25 ईयर्स हैव अ राइट टू द फॉरेस्ट लैंड एंड व्हाट इज ग्रोन ऑन इट। दिस इज मैंडेटेड बाय ऑप्शन नंबर फर्स्ट द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, the Right to Forest Act 2007, the Land Acquisition Act 1894, and fourth option the Constitution Scheduled Castes Order Amendment Bill 2012। तो जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था, दिया गया है, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर टू, द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। ये एक्ट जो था 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। मॉस्किटो से कौन कौन से ऐसे डिजीज हैं जो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। पहला ऑप्शन है मलेरिया, एचआईवी, एड्स, डेंगू। तो यहाँ पे डेंगू सही है, मलेरिया सही है, लेकिन एचआईवी एड्स जो है मच्छरों से नहीं फैलता है। सेकंड ऑप्शन है एचआईवी एड्स, यहाँ पर भी आ गया, ये भी ऑप्शन हटा देंगे। थर्ड ऑप्शन डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया। जी हाँ, चिकनगुनिया, ये तीनों, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तीनों ही मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन टाइफाइड, टाइफाइड नहीं है, कॉलरा, चिकनगुनिया, कॉलरा भी नहीं है, चिकनगुनिया। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है आपका। पिचर प्लांट्स, क्वेश्चन नंबर 71, पिचर प्लांट्स नेपेंथिस। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट फाउंड इन इंडिया। सेकंड ऑप्शन क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। ऑप्शन नंबर थर्ड एमिट साउंड्स ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ हैज माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स। दोस्तों पिचर प्लांट जो होता है एक घड़े जैसे, घड़े की तरह, घड़े की आकृति का होता है और वो क्या करता है, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेता है। इंसेक्ट्स जब उसके माउथ के पास आते हैं तो उनको ट्रैप कर लेता है, अंदर चले जाते हैं और वो उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो उनको खा जाता है। उस तरीके से कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं ये सब, तो इंडिया में पाया जाता है। जी हाँ, पाया जाता है, ये गलत हो गया। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर थर्ड एमिट्स साउंड्स ऑफ हाई, नो, कोई साउंड एमिट नहीं करता है, ऑप्शन गलत है ये। फोर्थ ऑप्शन हैज माउथ कवर्ड विद टाइनी हुक्स, नहीं ये भी गलत है, टाइनी हुक्स नहीं होते उसके माउथ पर। ओके, तो 71 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ईटेबल इन रिच इज रिच इन आयरन। आयरन किस में ज़्यादा होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आंवला, स्पाइनक, पोटैटो। पोटैटो में नहीं होता है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आंवला, पोटैटो, टोमेटो, पोटैटो इसमें भी आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड कैबेज, ओकरा, जैगरी, जैगरी में होता है, ओकरा में होता है, कैबेज में नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन आंवला, आंवला, स्पाइनक, जैगरी, ये तीनों ही सही ऑप्शन है, सही है, और ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, ऑलमोस्ट इन एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री चिलीज आर एडेड वाइल कुकिंग फूड। चिलीज वर ब्रॉट टू आवर कंट्री By the traders who came from, तो कौन से traders? तो ये आप एक जीके क्वेश्चन है और इसका आंसर है साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following birds makes its nest among the thorns of a cactus plant? Weaver bird, robin bird, dove, sun bird। दोस्तों इसका राइट आंसर है डब। डब क्या होता है, एक ऐसा पक्षी होता है, कबूतर की तरह होता है, और वो अपने अंडे जो कैक्टस प्लांट होता है उसके नीचे बनाता है, वहीं पर घोंसला बनाता है, उसी में अंडे देता है और
इसलिए वो वहाँ बनाता है ताकि वो अपने जो अंडे हैं उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, ह्यूमंस से प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो वहाँ पर अपने घोंसले को बनाता है और उसमें अंडे रखता है। वो दूसरों के घोंसलों में भी अंडे रखता है, वो अपने घोंसले को बार बार भी यूज कर सकता है। ये क्वालिटी होती है डव की, प्रॉपर्टी होती है डव की। क्वेश्चन नंबर 75, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एनिमल एंड आइडेंटिफाई इट। इट लुक्स लाइक अ बियर, ये भालू की तरह दिखता है, बट इट इज़ नॉट, लेकिन भालू नहीं है। इट स्पेंड्स ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, 17 घंटे के अराउंड सोता है, वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच, पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। इट ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री, जिस पेड़ पर लटका रहता है उसी का पत्ता खाता रहता है। ऑन विच इट लीव्स, इट लीव फॉर अबाउट 40 ईयर्स, 40 ईयर्स का लाइफ स्पान होता है, 40 ईयर्स, 40 ईयर्स तक वो जीता है। कौन सा जानवर है? पहेली है। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिंपांजी, चिंपांजी भालू की तरह नहीं दिखता है, ये गलत हो गया। पांडा, पांडा तो भालू ही है लेकिन भालू है नहीं। स्लोथ, स्लोथ के बारे में आपको आइडिया नहीं होगा। लंगूर आपने देखा ही होगा, लंगूर भी भालू की तरह नहीं दिखता है। तो देखते हैं इसके पिक्चर पे। देखिए सर, ये है स्लोथ, स्लोथ देखिए उल्टा लटका हुआ है और पेड़ की पत्तियां खा रहा है। ये देखिए कैसा दिखता है, भालू की तरह। ये देखिए पूरा भालू ही है लेकिन भालू है नहीं, स्लोथ है ये। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? स्लोथ। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैज एक्सीलेंट साइट एंड कैन सी थिंग्स 4 times मोर देन ह्यूमंस। फर्स्ट ऑप्शन स्नैक्स, सिल्क वर्म्स, लिजर्ड्स। सेकेंड ऑप्शन काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स। थर्ड है बीज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज। फोर्थ ऑप्शन है टाइगर्स, लियोपार्ड्स, बुल्स। नीचे दिए गए जीवों में, जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो ऐसे कौन से जीव हैं? दोस्तों इसमें से काइट्स, ईगल्स और वल्चर्स जो होते हैं बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाई देते हैं और बहुत ही ऊंचाई से ही अपने नीचे डिटेक्ट कर लेते हैं अपने खाने की चीज़ों को। जो मरे हुए जानवर होते हैं वो कहीं भी वल्चर्स या कोई भी ऊपर काइट्स आपको दिखता है वो उसमें राउंड राउंड घूमते रहते हैं, बहुत ऊंचाई पर ही घूमते रहते हैं, तो वहाँ से ही वो डिटेक्ट कर लेते हैं अपने प्रे को, अपने खाने की चीज़ों को नीचे की ओर ज़मीन पर जो मरा पड़ा है बहुत दूर से ही। तो उनकी आई साइट बहुत ही स्ट्रांग होती है, बहुत दूर से डिटेक्ट कर पाते हैं। बाइनोकुलर विजन, एक्सीलेंट बाइनोकुलर विजन होता है उनमें, और शार्पेस्ट आई साइट होता है, मोर देन 1 माइल की चीज़ों को भी एकदम शार्प देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन, काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मिंग एंड आइडेंटिफाई इट्स टाइप। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज ग्रोन देयर, द बैम्बूज और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, दे आर कट एंड बर्न्ड, द एस मेक्स द लैंड फर्टाइल। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plowed. Seeds are dropped on it. नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इसके इस ढंग को पहचानिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस व अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती है, झूम फार्मिंग है या स्टेप फार्मिंग है या इरिगेशन फार्मिंग है या कोऑपरेटिव फार्मिंग है? दोस्तों झूम फार्मिंग जो होती है वो हिली प्लेसेस पर होती है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है और हिल एरिया होते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, मिज़ोरम, नागालैंड, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट में जो प्रेजेंट है, और हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में बारिश भी बहुत होती है। तो इस बारिश होती है तो जो ऊपर की ज़मीन होती है वो हमेशा बहती जाती है, और हम जानते हैं कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो सरफेस वाली मिट्टी ही ज़्यादा होती है, ज़्यादा उपजाऊ होती है, और वही उसमें ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और वही बहती जाती है बारिश की वजह से। तो ऐसे जगहों पर क्या होता है कि जब भी खेती करना होता है तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें उगी होती हैं, पहले उनको वहाँ पर काट के वहीं पर जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है कि उनके जो ऐस होते हैं, जो वहाँ उसका राख होता है प्लांट्स का, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं, और मिट्टी को उपजाऊ बना दे तो फिर मिट्टी को थोड़ा थोड़ा खोद कर जोता नहीं जाता। जोतने से क्या होगा कि फिर से वो ज़्यादा
अंदर खुदाई हो जाएगी तो न्यूट्रिएंट्स होते नहीं हैं, तो वो डाइल्यूट कर देंगे जो हमारा जो एस है, जो न्यूट्रिएंट है उसकी जो कंटेंट है, रेशियो को ख़राब कर देंगे, तो उसकी वजह से उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाएगा प्लांट। तो ऐसा करने के बाद उसमें बीज डाल दिए जाते हैं और खेती की जाती है। तो ये इस तरह की खेती झूम फार्मिंग कहलाती है। दूसरा ऑप्शन जो है स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग हिल एरिया में होता है, तो हिल में ही जो समतल मैदान होते हैं छोटे छोटे, उसको काट दिया जाता है और लैडर लाइक फैशन में उसको अरेंज करके उस पर खेती की जाती है, इसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग। इरिगेशन फार्मिंग कहाँ होती है? इरिगेशन फार्मिंग होती है जहाँ पर रेनफॉल लेस देन एवरेज होता है, वहाँ इरिगेशन फार्मिंग होती है, सिंचाई की व्यवस्था की जाती है अलग से। और कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है जहाँ पर जो किसान होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, शेयर करके अपने रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छा फार्मिंग होता है ये वाला। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या है? झूम फार्मिंग। वेन अ क्वेश्चन नंबर 78, वेन अ स्नैक चार्मर प्लेज ऑन हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बीन, द स्नैक स्विंग्स इट्स हेड टू एंड फ्रो टू इट्स साउंड, हाउ डू यू थिंक द स्नैक रिस्पॉन्ड्स टू द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? बीन बजाने पर सांप डांस क्यों करता है भाई? तो उसको बताना है ऐसा क्यों करता है। बाय स्मेलिंग द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को सूंघ कर, बाय हियरिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट, साउंड को सुनकर जो बज रहा है और अपना स्टेप कर रहा है उसकी वजह से, बाय सीइंग द मूवमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट को सी देख रहा है और उसकी वजह से वो कर रहा है इस तरीके से, और फोर्थ ऑप्शन बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन स्मेलिंग। दोस्तों स्मेलिंग, जो स्नैक्स होते हैं एक तो उनके साउंड को सुन नहीं पाते हैं, उनके कोई विजिबल ईयर नहीं होते हैं और दे डोंट हियर साउंड्स, और उनका वाइब्रेशन के लिए एक सेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत तगड़ा सेंस होता है, वाइब्रेशंस को बहुत तेज़ी से फील करते हैं। तो इनमें से वाइब्रेशन वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है, बाय रिस्पॉन्डिंग टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय द इंस्ट्रूमेंट, से वाइब्रेशन निकल लिया वो उसको कलेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से वो अपने जो सर को हिला रहा है। क्वेश्चन नंबर 79, अ फैमिली इज अ यूनिट ऑफ यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मदर, फादर एंड देयर टू चिल्ड्रेन, दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट इनकरेक्ट बिकॉज देर आर मेनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड वन कैनॉट क्लासीफाई फैमिली एज बींग ऑफ ओनली वन काइंड, सेकेंड करेक्ट सिंस दिस इज एन आइडियल फैमिली साइज, थर्ड करेक्ट बिकॉज दिस इज वॉट ऑल इंडियन फैमिलीज आर लाइक, फोर्थ इनकरेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट शुड स्पेसिफाई दैट द चिल्ड्रेन आर बायोलॉजिकल। सो फैमिली में केवल एक मम्मी, एक पप्पा और दो बच्चे, यही फैमिली है इंडिया में? हम लोग देखते हैं आसपास कहाँ दिखता है ऐसा, बहुत कम मिलता है। और फैमिली के यहाँ के कैटेगरीज हैं, ज्वाइंट फैमिली है, कुछ अलोन फैमिली रहती है, कुछ जो जो पैसे में काम करते हैं, किसी नौकरी में रहते हैं तो वो अपनी अलग फैमिली रख रहते हैं, तो सबकी एक फैमिली का टाइप है। तो ये कोई एक डेफिनेशन से ये फैमिली के डेफिनेशन को सही नहीं बता रहा है कि एक फैमिली में मदर, फादर और दो बच्चे हैं, तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज देर आर मेनी काइंड्स ऑफ फैमिलीज एंड वन कैनॉट क्लासीफाई फैमिली एज बींग ऑफ ओनली वन काइंड। और ये बोला कि आइडियल साइज, आइडियल फैमिली साइज होती है ऐसा, इसकी वजह से करेक्ट है, तो आइडियल फैमिली साइज की वजह से नहीं डेफिनेशन बना, डेफिनेशन मतलब जो ट्रुथ है, जो बेस है उसके उसके ऊपर डेफिनेशन बनाई जाती है, तो ये गलत हो गया, ये दोनों ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 80, द गैस्ट्रिक जूस इन द स्टमक ऑफ ह्यूमन बींग इज एंड एड्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन या एम्फोटेरिक। तो गैस्ट्रिक जूस होता है एसिडिक, ये आपको याद करना पड़ेगा, एसिडिक होता है, HCl होता है, और वो क्या करता है, जो फूड जाता है स्टमक के अंदर उसको वो उसको डिग्रेड करता है और आसानी से पचाता है, और उनके जो बैक्टीरिया वायरस हैं उनको मारता भी है। I'm